आप जानते हैं मेहंदी के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे यहाँ तो एज अ कंडीशनर उसे यूज किया जाता है बालों के लिए, जैसे जीनत के लिए भी उसे यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम उसे दवा के तौर पर देखें तो पहले लोग यूज किया करते थे पाओ पे मेहंदी, इसलिए लगाते थे कि पाओ की जलन दूर हो जाए, या इसी तरह सर पे और हाथों पे भी मेहंदी इसलिए लगाते थे कि जलन दूर हो जाए। बड़े हैरत अंगेज असरात हैं मेहंदी के, और असरात इस तरह से कि जो जख्म है, जख्मों पर मेहंदी बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरह से जैसे जख्म के ऊपर जैसे क्रीम लगती है, या इसी तरह से घरेलू कई एक नुस्खे होते हैं जिसकी वजह से हम जख्मों को दूर करने के लिए ऊपर कई एक चीजें बांध के लगाते हैं, इसी तरह से मेहंदी बकायदा तौर पर जख्म का इलाज करती है। इवन यानी इसके लिए हकीम एडवाइस करते हैं कि आप मेहंदी का पानी अगर रात को मेहंदी के पत्ते भिगो कर रख दें तो मेहंदी का ये पानी जो अंदरूनी जख्मों के लिए भी बड़ा मुफीद है, अगर निहार मुंह सुबह उठ के पिया जाए। अली बिन उबैदुल्ला अपनी दादी सलमा उम्मे राफे से रिवायत करते हैं जो रसुल्ला की खिदमत किया करती थी। कितनी खुश नसीब खातून थी। फरमाती है कि रसुल्ला को जब कोई जख्म या खराश आ जाती तो आप मुझे हुक्म फरमाते कि मैं उस पर मेहंदी लगाऊं। हदीस की इस जैसी एक और सनद भी है जो इसके हम मानी है। तिर्मिजी की रिवायत है 2054 नंबर पर। बड़ी ही खास बात है मेहंदी के हवाले से। दुनिया में फकत बदन की तकालीफ को दूर करने का वही तरीका नहीं है जो तरीका इस वक्त मेडिकल एजुकेशन के हवाले से हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा भी तरीका है, इलाज मौजूद है जिनसे इंसानियत ने कल फायदा उठाया था, और सादगी के साथ लोग आज भी इससे फायदा उठा सकते हैं।